नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आसमान छूती महंगाई की। दरअसल इन दिनों महंगाई आसमान छूती भी नजर आ रही है। बात अगर टमाटर के दामों की करें तो कई जगहों पर टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुंच चुके हैं, जबकि कई जगहों पर 120 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर बिक रहा है। यूपी के बांदा में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। टमाटर के साथ लहसुन और बाकी सब्जियों के बढ़ते दामों ने भी थाली का जायका बिगाड़ दिया है। बाजार में सब्जी लेने पहुंच रहे लोग दाम सुनकर हैरान और परेशान हैं। जिस दाम पर लोग एक किलो सब्जी लेकर घर जाते थे, उसी दाम पर पाव भर सब्जी लेकर घर जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। आपका क्या राम? अच्छा, टमाटर वमाटर खा रहे नहीं खा रहे? अरे मन चाहे तेज मिला था, ना कहूँ मजदूरी लग रहा, कहूँ नहीं लग रहा। मजदूरी नहीं लग रही? नहीं लग रही है, कहूँ एक दिन माँ लागो, कहूँ दस रोज नहीं लागत तो जान खान के खा जाते तो सब मारे जाते। अच्छा, टमाटर कितनी महंगी है? टमाटर महंगी 30 रुपया 40 में, 20 रुपया किलो। इतने महंगे क्यों बेच रहे? इतना महंगा जब हमें मिलता है तो हम बेचते हैं। अच्छा, आप लोग बाजार से खरीद के? हम लोग बाजार से खरीद के फुट कर बनाते हैं। महंगाई क्यों हो रहा है? इतना खराब इतना निकल रहा है गर्मी की वजह से। खराब गर्मी की वजह से पानी बरस रहा है? पानी बरस रहा है, खड़ा निकल रहा है उसमें। 25 किलो में कम से कम 10 किलो तो खराब निकल जाता है पेटी में। महंगा आ रहा है तो महंगा बेच रहे हैं, कहाँ जाएगा? महंगा बेच रहे हैं। संभल में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। डीएम और एसपी ने बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर सभी धर्म गुरुओं के साथ में बैठक की है। कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल के बीच में त्योहार मनाने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। इस दौरान धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी समस्याएं डीएम और एसपी को बताई, जिसके बाद अधिकारियों को समस्याओं के समय से निस्तारण कराने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान एसपी ने कहा कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में खुले में कुर्बानी किसी भी दशा में ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए और कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड ना की जाए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी में कोई नई परंपरा ना शुरू की जाए और कुर्बानी के वक्त कुछ ऐसा ना हो जिससे दूसरे संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंचे। वहीं प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहारों के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले शिविरों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि शिविर मार्ग से दूर लगाए जाएं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या ना पैदा हो। देखिए, आज हमने यहाँ पे संभल में सभी धर्म गुरुओं के साथ, जनपद के और विशेष रूप से संभल शहर के, उनके साथ आज बैठक की है आगामी ईद को लेकर और आगामी जो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है उसको लेकर शासन की क्या क्या निर्देश हैं, प्रशासन के क्या क्या निर्देश हैं, वो सभी लोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। और उनको बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी नई परंपरा ना तो डाली जाएगी और ना ही पुरानी परंपराओं के रूप में जिस प्रकार से त्योहारों को मनाया जाता है उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न किया जाएगा। हाथरस में सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया था। इस दौरान 457 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिनमें 42 मुस्लिम जोड़े भी शामिल हैं। जिले के प्रभारी मंत्री ने गणेश प्रतिमा के आगे दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नव दंपतियों को खुशहाल नवजीवन की शुभकामनाएं दी। ग्रेटर नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। ये बताया गया है कि जो फैसले लिए गए हैं वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। तो इस 77वीं बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिसमें लीज बैक प्रतिकार दर 64.7%, ओटीएस स्कीम, डाटा सेंटर, मिक्स लैंड यूज के साथ साथ लॉजिस्टिक और प्राधिकरण का 2041 के मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी गई है। प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण और सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि ज्यादातर फैसले जनता के हित में लिए गए हैं। प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान पॉलिसी योजना यानी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 2023 को दोबारा लाने का ऐलान कर दिया है। ओटीएस स्कीम चौथी बार आएगी और इससे 9,812 लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। उनके कई तरह के पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ किए जाएंगे। इससे प्राधिकरण को भी 4,439 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं। ओटीएस स्कीम केवल एक महीने के लिए आएगी, 1 अगस्त 2023 से स्कीम शुरू हो जाएगी। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, आवासीय भूखंड और 7% आबादी भूखंडों पर भी एकमुश्त समाधान पॉलिसी लागू की गई है।
कुल 17 गांवों के 205 प्रकरणों में प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लीज बैक की अनुमति भी दी गई है। इसके अलावा सेक्टर 9 में 820 एकड़ और सेक्टर 11 में 800 एकड़ के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित कुल 1620 एकड़ भूमि और टप्पल बाजना अर्बन सेंटर की महायोजना में मिक्स लैंड यूज के अंतर्गत गांव टप्पल के करीब 1720 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किए जाने का फैसला भी लिया गया है। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आज 77th बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव डिस्कस हुए। कुल 43 प्रस्ताव गए थे, इनमें से कई प्रस्तावों पर बोर्ड ने अपना अनुमोदन दिया। कुछ प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड ने आवश्यक संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। जो मुख्य रूप से निर्णय हुआ है, उसमें एक तो 32,000 आवंटियों के लिए 30 सितंबर 2023 तक बिना किसी शुल्क के लीज कराने और 31 मार्च 2024 तक बिना किसी शुल्क के लिए निर्माण कराने की अनुमति दी गई है। इससे आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत तथा मिक्स लैंड यूज यमुना औद्योगिक। बुलेटिन में बात प्रयागराज की भी कर लेते हैं, जहां हंडिया रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मालगाड़ी अचानक से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। आपको बता दें कि तेज धमाके की आवाज को सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई थी। फिलहाल विभाजित हुए दोनों टुकड़ों को थोड़ी देर में जोड़ दिया गया, जिसके बाद रेलगाड़ी को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी प्रयागराज रेलमार्ग पर वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही मालगाड़ी जैसे ही हंडिया खास रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, तभी स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले ही मालगाड़ी चलते चलते अचानक से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस की पशु तस्करों के साथ में मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बता दें कि नसीरपुर और नगला खंगर थाना पुलिस की पशु तस्करों के साथ गुढ़ा अंडरपास के पास लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों बदमाशों से अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस दोनों बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। अवगत कराना है कि 20 जून 2023 को थाना नसीरपुर के ग्राम नगला गिरधारी किठार गांव में 2 भैंस चोरी की घटनाएं हुई थी। सूचना मिलने पर थाना नसीरपुर पुलिस के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाश पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखकर मैक्स पिकअप और चोरी की हुई भैंसें छोड़कर मौके से भाग गए थे। आज मुखरी के द्वारा सूचना मिली कि बदमाश पुनः घटना कारित करने के लिए क्षेत्र में रेकी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नगला खंगर और थाना प्रभारी नसीरपुर के द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई। अवगत प्रयागराज में अवैध खनन पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। लगातार अवैध खनन के मामले भी सामने आ रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि मामले की शिकायत पुलिस से की भी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। ताजा मामला गुरसेनपुर के घोड़दौली गांव का है, जहां अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर जारी है। जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है। आरोप है कि मामले की सूचना थाने को दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहां अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा कब चलता है। वीडियो के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध खनन का खेल यहां पर धड़ल्ले से चल रहा है। कहीं पर नदियों का सीना चीरा जा रहा है। सवाल जस का तस बना हुआ है कि जो खनन माफिया हैं उन पर आखिर प्रशासन का डंडा कब चलेगा। संभल से फिल्मी स्टाइल में एक महिला से मोबाइल छिनतई का मामला सामने आ रहा है। दरअसल महिला ई रिक्शा में सवार होकर मोबाइल पर बात करती हुई जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश महिला का मोबाइल छीन कर भागने लगे। महिला के शोर मचाने पर पीडब्ल्यूडी के जेई ने चोरों का पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया, वहीं दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मुरादाबाद रोड पर कोल्ड स्टोर के पास चोरों ने मोबाइल छिनतई की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। मेरा नाम अमित कुमार है, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे संभल में जेई है।
वहाँ से इधर से आ रहा था साइड पे से, तो देखा तो वहाँ पे लेडीज उसमें ये जो बैटरी वाली गाड़ी चलती है उसमें चिल्ला रही थी। मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले कि एक नीली शर्ट बनियान पहना हुआ लड़का बैठा हुआ बाइक पे, हमारा मोबाइल छीन के भाग गया। तो मैंने गाड़ी एकदम लगाई तेजी से, खूब तेज चलाते लेकर आया, तो ये भाग रहे थे बहुत तेज, इनके पीछे एक बाइक वाला और लगा होता बुलेट वाला। फिर मैं इन्हें रोक रहा हूँ तो रुक नहीं रहे हैं, तो मैंने हल्के से फिर इन्हें दबाने की कोशिश करी गाड़ी से, क्योंकि किसी तरीके से रुक जाए। मेरा नाम अमित। फिरोजाबाद से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी थी, बाइक सवार तीन लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा नसीपुर चौराहे पर हुआ है। बाइक सवार लोग सुबह से वापस घर जा रहे थे, इसी दौरान हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है। दो घायल अवस्था में है, उनमें से एक सीरियस है, उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके जिला अस्पताल में रेफर करेंगे, और ये कहीं रोड एक्सीडेंट में पाया गया, लेकिन किसी को नहीं। मुजफ्फरनगर के गांव में बिना परमिशन के महाराणा प्रताप का बोर्ड लगाया जा रहा था। अब मामले को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गांव में बोर्ड लगाने को लेकर होने वाली पंचायत को भी रोक दिया है। मामला रतनपुरी के भूपखेड़ी गांव का है। बता दें कि शेखर चौहान ने पंचायत की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।